नमस्कार, द कुकिंग रैक में आपका स्वागत है। सर्दियों की खास सब्जी गोभी, आलू, मटर, टमाटर, इसी की रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसे हम बहुत कम तेल और मसालों के साथ बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनेगा ये सब्जी। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं कैसे बनेगी ये सब्जी। इसके लिए हमने 300 ग्राम फूलगोभी को हाथों से मोटे मोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और इसे हमने 2 मिनट उबाल लिया है। इससे होगा ये कि गोभी में जो कीड़े होंगे वो निकल जाएंगे और गोभी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अब गोभी के डंठल के छिलके को काटकर निकाल देंगे। छिलके को निकाल कर सब्जी बनाने से सब्जी बहुत अच्छी बनती है। गोभी के बड़े टुकड़े ही कीजिए, बहुत छोटे टुकड़ों में गोभी को ना काटें। हमने लिया 4 पीस छोटे आलू, जिसे हमने छील कर अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसे 2 टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप अगर बड़े आलू लेते हैं तो उसे 4 टुकड़ों में काट लीजिए। पैन में डालेंगे 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तेल को धुआं आने तक गर्म कर लेंगे। तेल अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब इसमें डाल देंगे कटे हुए आलू और इसे ढक देंगे ताकि तेल के छींटे बाहर ना निकलें। 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे। आलू को ढककर बीच बीच में चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। नमक डाल देने से और ढककर भूनने से आलू बहुत जल्दी पक जाएंगे। आप देख सकते हैं आलू अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं प्लेट में और इस बचे हुए तेल में गोभी को भी फ्राई करेंगे। तो अब हम इसमें डाल देते हैं गोभी और गोभी में भी डालेंगे 1/4 चम्मच नमक। मिक्स कर देंगे और ढककर गोभी को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे ताकि गोभी भी जल्दी पक जाए। बीच बीच में चलाते रहेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही गोभी और आलू को फ्राई करना है। सब्जी को फ्राई करते समय ही नमक डाल देने से और ढककर फ्राई करने से ये सब्जी बहुत जल्दी बन जाती है। गोभी गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे भी निकाल लेते हैं उसी प्लेट में। अब इस बचे हुए तेल में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। 1 तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची, 1 मोटी इलायची, 2 लौंग और थोड़ा सा शाही जीरा डाल देंगे तेल में। 1 सेकेंड खड़े मसालों को भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ प्याज। तो 1 बड़े प्याज को हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो प्याज को बारीक काट करके भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच चीनी डालेंगे। 1/4 चम्मच नमक। इसे प्याज में मिक्स कर देंगे और प्याज को ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। नमक और चीनी डाल देने से प्याज बहुत जल्दी पक जाएगा। अब इसमें डाल देंगे 1 हरी मिर्च को बारीक काट कर। आप अपने टेस्ट के अनुसार मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बीच बीच में चलाते हुए प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। फ्लेम को स्लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे। हरी धनिया के मोटी डंडी को हमने बारीक काट कर डाल दिया है, जिससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे प्याज में मिक्स करते हुए थोड़ी देर भून लेंगे। तो हमारा प्याज, अदरक, लहसुन सब भुन गया है। अब इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच धनिया का पाउडर। इन मसालों को प्याज में मिक्स करेंगे और तुरंत इसमें डाल देंगे ग्रेट किया हुआ टमाटर, ताकि हमारे ये मसाले जले नहीं। 1 बड़े टमाटर को हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो टमाटर को मिक्सी में ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गया है। इसे खोल कर स्लो फ्लेम पर इन मसालों को भूनेंगे जब तक इसमें से तेल अलग ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं मसाले से तेल अलग हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्चा, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर, 1 चम्मच किचन किंग मसाला। आप किसी भी ब्रांड का किचन किंग मसाला डाल सकते हैं। 2 बड़े चम्मच इसमें डाल देंगे पानी और इस मसाले को थोड़ी देर और भूनेंगे। काश्मीरी लाल मिर्चा आप ज़रूर डालिए, इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। सब्जी तीखा नहीं होता है,
पर देखने में बहुत अच्छा लगता है। मसाला अच्छी तरह भुन गया है, अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी जिसे हमने तवे पर पहले रोस्ट कर लिया था और इसे मसाले में मिक्स कर देंगे। मसाला भुनकर तैयार है, अब इसमें डाल देते हैं फ्राई किए हुए आलू और गोभी। एक टमाटर को बड़े टुकड़ों में काट कर डाल देंगे और इसे मसाले में मिक्स करेंगे। आप अगर इस सब्जी को सूखी सब्जी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और ढककर इसे 5 मिनट पका लीजिए तो आपकी ये सूखी सब्जी बन जाएगी। अब इसमें डालेंगे 1.5 कप उबाला हुआ गर्म पानी। ध्यान रखें इस सब्जी में पानी को आप उबाल कर ही डालें। 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी इसमें नमक डाला है। मिक्स कर देंगे, स्लो फ्लेम पर ढककर इस सब्जी को 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट हो गया है, अब सब्जी को चेक कर लेते हैं। आप देखिए आलू अच्छी तरह से पक गया है। आप अगर ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं तो आप अपने पसंद से इसमें पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 हरी मिर्च को बीच से कट करके डाल देंगे। 1 कप मटर को हमने नमक और चीनी डालकर बॉयल कर लिया है, उसे डाल देंगे। इस तरह बॉयल करके मटर डालने से मटर का कलर बिल्कुल हरा रहता है। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और सभी को मिक्स करके 1 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 मिनट हो गया है, सब्जी हमारा बनकर तैयार है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे। अभी इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली लग रही है पर ठंडी होने के बाद ये और थिक हो जाएगी। अब इसे निकाल लेते हैं सर्विंग बाउल में। आप इस सब्जी को रोटी, पराठे, पूड़ी किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आती है तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह एक और रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।